स्टूडेंट्स वेलकम है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैरियर टेक एकेडमी के। मैं सौरभ श्रीवास्तव आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट जिसका नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ये ओ लेवल के नए सिलेबस में चौथे सब्जेक्ट के रूप में जोड़ा गया है और ये बहुत इंटरेस्टिंग बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आज मैं सिर्फ इस सब्जेक्ट की भूमिका के बारे में बात करूंगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात करूंगा। क्यों? क्योंकि कल भी पेपर होना है IoT का, ठीक है। तो बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा क्योंकि आपका समय क्या है, बहुत कीमती है। कल आपके पेपर होंगे तो इसलिए समय को एकदम हम लोग निचोड़ के आज यूज करेंगे कि समय कम से कम हो, बेनिफिट आपका ज्यादा हो। IoT का जो पेपर होना है वो पहली बार होना है और मैं यहां पे कुछ चीजें आपको जानकारी के तौर पे इंपॉर्टेंट के रूप में बता देना चाहता हूं जिससे कि आपका जो कल का पेपर होना है वो अच्छा हो पाए। हम ऐसा पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे कि पेपर आपका अच्छा हो और मेरा ऐसा मानना है जो पेपर अब तक हो चुके हैं वो आपके बहुत अच्छे हुए होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब इसी सब्जेक्ट को हम स्टार्ट भी करेंगे लेक्चर वाइज और आप कैरियर टेक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिए। चैनल के आगे आप देखेंगे ऑल का बटन आता है, बेल आइकन आती है, उस बेल आइकन को सेलेक्ट करके ऑल का बटन प्रेस करिए जिससे कि हम लोग जो IoTs के ऑनलाइन लेक्चर्स स्टार्ट करने वाले हैं वो आप तक पहुंच सकें। ओ लेवल का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा आपको जानकारी नहीं मिलेगी इसलिए हम आपको पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अपना बेस्ट से बेस्ट आपको दे पाए। स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को दबा के आप शेयर करिए कि उन हर बच्चों तक ओ लेवल का IoT का मटेरियल पहुंचना चाहिए जो पेपर कल देने वाले हैं या आगे से जो जुलाई में देंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, उनको कंटेंट मिल सके। क्योंकि समय कम होता है, बहुत ज्यादा क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वीडियो के लेक्चर्स को आप तक पहुंचाएं और आपको ये कंटेंट मिल सके कि हम लोग कब क्या करने वाले हैं और पेपर आपका अच्छा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट है आपका IoT, सब्जेक्ट है आपका IoT। स्टूडेंट्स IoT का अगर फुल फॉर्म बात करें तो IoT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एक क्वेश्चन IT के पेपर में पूछा गया था, आपने देखा होगा कि IoT का फुल फॉर्म पूछा गया था कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है या इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। तो एक क्वेश्चन तो वहीं बन गया, जिन लोगों ने ओ लेवल के न्यू सिलेबस को जाना होगा वो तो ये सही कर लिए होंगे। तो IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये समझ में नहीं आ रहा सब्जेक्ट है क्या, पहले तो हमको ये समझना है कि एग्जैक्टली सब्जेक्ट है क्या, इसमें क्या होना है, एक पिक्चर बनाने का प्रयास करते हैं कि सब्जेक्ट में है क्या। हम समझ नहीं पा रहे इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट मतलब इंटरनेट, ऑफ माने का थिंग्स माने चीजें, इंटरनेट की चीजें, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा। इसके दिमाग में कुछ पिक्चर बनाया जाए कि एक्चुअली में रियलिटी में करना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं सब्जेक्ट से, हमको फायदा क्या होगा। इसीलिए सबसे पहले मैं आपको इन छोड़ दीजिए सब्जेक्ट, मत सोचिए कि IoT नाम का कोई सब्जेक्ट होता है। पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, उस एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करिए, उसके बाद IoT अपने आप समझ में आ जाएगा कि IoT में एग्जैक्टली होना क्या है। IoT की हम बात करें कैसे, छोड़िए हटाइए, सभी के पास मोबाइल फोन होगा, होगा ना, सभी के पास मोबाइल फोन्स होंगे, वेरी गुड। इंटरनेट का जमाना है, नेट का पैक सब में होता है, आपके मोबाइल फोन में भी क्या होगा, नेट का पैक होगा। तो अगर इस इंटरनेट का कुछ यूटिलाइजेशन किया जाए तो हम क्या क्या कर सकते हैं। अब जैसे एक हमारा ऑब्जेक्ट यह है, क्या इंटरनेट के माध्यम से हम किसी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं, बात समझने का प्रयास करिए। मैं क्या कह रहा हूं
क्या इंटरनेट के माध्यम से आप किसी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं? अगर इस सेंटेंस को आप सुनेंगे तो यहां बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाएंगे। पहली चीज तो उस डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ेंगे कैसे, पहला क्वेश्चन है। दूसरा, इंटरनेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तीसरा, आपके पास इंटरनेट के सपोर्ट करने वाली डिवाइस होनी चाहिए। क्लियर है? तो अब जैसे मान लीजिए आपके रूम में एक पंखा लगा है। मैंने क्या कहा, मैंने आपसे यह कहा कि आपके रूम में एक फैन लगा हुआ है, क्या उस फैन को मैं इंटरनेट के माध्यम से कंट्रोल कर सकता हूं या नहीं? ऑप्शन यस भी हो सकता है, ऑप्शन नो भी हो सकता है। अगर हमें डिवाइसेस या ऐसे रिसोर्सेस उपलब्ध हैं तो मैं उसको क्या कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं। क्लियर है? तो आईओटी में मैंने आपसे यह कहा कि आपके पास ये आपका रूम में आपके फैन लगा हुआ है, यहां पे आपके फैन लगे हैं, इस फैन को आप कंट्रोल करना चाहते हैं इंटरनेट से। अगर आप इंटरनेट से कंट्रोल करना चाहते हैं तो पहली बात तो ये कि इस पे इंटरनेट सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ लगा होना चाहिए। कि इस फैन को अगर इंटरनेट से जब तक जोड़ेंगे नहीं, इसकी कनेक्टिविटी इंटरनेट से होगी नहीं, हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मोबाइल में तो आपने कह दिया सर इंटरनेट है। अब मेरा ऑब्जेक्टिव यह है कि मैं मोबाइल फोन के किसी बटन को प्रेस करूंगा और प्रेस करने से हमारा फैन क्या होना चाहिए, ऑफ हो जाना चाहिए। मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि मैं वर्ल्ड वाइड कहीं भी रहूं, मेरे मोबाइल फोन पे नेट चल रहा है और मैंने मोबाइल फोन को उठाया, कोड लगाने से मेरा घर का पंखा, जो पंखा लगा है वो फैन बंद हो गया। क्या यह संभव है? बिल्कुल संभव है। यही चीज कहता है कौन, आईओटी। सब्जेक्ट यही है कि आप अपने डिवाइस को इंटरनेट से जोड़कर इंटरनेट के माध्यम से उसको कंट्रोल करेंगे। एक सिंपल भाषा में सारांश के रूप में बता देना यह चाहता हूं कि आपके घर में, आपके कमरे में पंखा लगा हुआ है। आपने कहा कि सर मैं घर के बाहर हूं, मैं चाहता हूं कि मैं अपने मोबाइल फोन से एक कोड लगाऊं और कोड लगाने पर मेरे रूम का जो पंखा है वो बंद हो जाना चाहिए। यही कहता है कौन, आईओटी। कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा, ये सब बात की बात है। बट आपको आईओटी एग्जैक्टली समझ में आया कि आईओटी में होगा क्या, कि आप अपने मोबाइल फोन से कोड लगाएंगे, ट्यूबलाइट है तो ट्यूबलाइट, फैन है तो फैन, और जो भी डिवाइसें आपने लगा रखी हैं वो बंद हो जाएंगी, जब चाहेंगे ऑन हो जाएंगी। बट इसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से आईओटी डिवाइस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप आईओटी डिवाइस नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आप फैन को कनेक्टिविटी नहीं दे पाएंगे। क्लियर है? तो कल के क्वेश्चन में यह पूछ सकता है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन आईओटी एंड गिव द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी। और एक क्वेश्चन आपका इकोसिस्टम, आईओटी इकोसिस्टम से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कल के पेपर में, कि आईओटी क्या होता है, आईओटी की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, आईओटी का इकोसिस्टम क्या है, और आईओटी में सेंसर क्या होते हैं, एक्चुएटर क्या होते हैं, ऐसी तमाम चीजें आपको आईओटी से पूछ सकता है। एक होता है ऑर्डिनो, ऑर्डिनो आपका ओपन सोर्स है, ऑर्डिनो से क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑर्डिनो कैसा प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स है या ओपन सोर्स नहीं है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आईओटी में आपका ऑर्डिनो जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, ओपन सोर्स है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि हम एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं। हम इंटरनेट के माध्यम से अपने डिवाइसों में कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल करके, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, आईओटी डिवाइसेस, आईओटी डिवाइसेस का इस्तेमाल करके हम अपने डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे और फिर उसको इंटरनेट के माध्यम से क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। जो फंक्शनैलिटी हम चाहेंगे वो हम परफॉर्म कर लेंगे। अब यहां पे हम लोग कुछ लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पाइथन। पाइथन मशीन लर्निंग बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, जिसकी कोई मतलब हम शब्द नहीं है मशीन लर्निंग के लिए मेरे पास।
हम पाइथन के कोड को इस्तेमाल करके आर्डुइनो के बोर्ड पर रन कराएंगे और देखेंगे कि डिवाइस हमारी क्या है, काम कर जा रही है। तो हम छोटे छोटे कोड्स का इस्तेमाल करके, प्रोग्रामिंग करके पाइथन में, हम उसको क्या कर सकते हैं, आईओटी के साथ, डिवाइसेस के साथ यूज करके फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर सकते हैं। और पाइथन आपके सिलेबस में है ओ लेवल के, तो पाइथन का कोड कैसे लिखा जाता है ये आपने पाइथन में बहुत अच्छे तरीके से सीखा होगा। और अगर नहीं सीखा है तो कैरियर टेक एकेडमी में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे पाइथन के, पाइथन के वीडियो मिल जाएंगे, कैसे प्रोग्राम रन कराया जाता है, पाइथन में कैसे काम किया जाता है, पाइथन क्या करती है, सब मिल जाएंगे आपको। पर मैं यहां पाइथन में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं यहां इंटरेस्टेड हूं आईओटी में। क्लियर है? तो कुल मिला के बात मेरी इतनी है कि आप अपनी आईओटी डिवाइस का इस्तेमाल करके इंटरनेट से डिवाइस को जोड़ के और फिर उसमें जो काम करना चाहते हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने बताए, कैरेक्टरिस्टिक्स, आईओटी का इकोसिस्टम, आईओटी होता क्या है और आर्डुइनो, ऐसे तमाम क्वेश्चंस आपको वहां पे मिल जाएंगे। क्लियर है? चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं। अब आईओटी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आईओटी का एग्जैक्टली हम क्या कहना चाहते थे और आईओटी का क्या मतलब है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। अब यहां पे अगर आप आईओटी को सबसे पहले 1999 में इंट्रोड्यूस किया गया था, आईओटी को सबसे पहले 1999 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर हम लोग इसके पीछे जो बेसिकली वर्क था वो था आरएफआईडी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, यहां पे बेसिकली आरएफआईडी टेक्नोलॉजी काम कर रही थी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफआईडी टेक्नोलॉजीज। और एक नंबर क्वेश्चन कल के पेपर में आपसे पूछ सकता है कि आईओटी को लाने वाले कौन थे, तो केविन एस्थम, केविन एस्थम। ने सबसे पहले आईओटी के बारे में हमको बताया 1991 में, हमको सबसे पहले केविन साहब ने इसके बारे में जानकारी दी कि आरएफआईडी का फुल फॉर्म पूछ सकता है कल के पेपर में, कल के पेपर में आरएफआईडी का फुल फॉर्म पूछ सकता है। आईओटी सबसे पहले इनिशियली इंट्रोड्यूस किसके द्वारा की गई, कब की गई। पेपर बहुत टफ नहीं लगता मुझको आएगा, लेकिन पेपर जो भी आएगा अच्छा आएगा और आप सभी उसको अच्छे से पास कर जाएंगे। तो यहां पे हमने आईओटी के बारे में बताया कि सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाले थे केविन साहब, इन्होंने ही हमको आईओटी के बारे में सजेशंस दिया और यही हमें आईओटी से इंट्रोड्यूस करने के लिए लाए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कल के पेपर में। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर आप आगे बढ़ेंगे ठीक है, अब देखिए कल के पेपर में आपसे एक क्वेश्चन क्या पूछेगा, मैंने बताया कि डिफाइन आईओटी, पहला क्वेश्चन बन सकता है डिफाइन आईओटी। कल के पेपर के हिसाब से भी कुछ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्टिव आज तो मेरा लेक्चर ये था कि मैं सोच रहा था कि आज से आईओटी को मैं एकदम स्टार्ट कर दूं फ्लो में, पर मुझे लगता है एक दिन और देना चाहिए आपको, क्योंकि कल आपका पेपर है और कुछ टॉपिक्स मैं यहां पे कवर कर रहा हूं। सिलेबस को देख देख के मैं आपको बताता जाऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं आईओटी में, ठीक है ना। मैंने बता दिया आईओटी का बेसिकली, आईओटी के पीछे जो जो लॉजिक है वो क्या है वो बताया मैंने आपको। एक क्वेश्चन ये बन सकता है करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, आईओटी करेक्टरिस्टिक्स एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि डिफाइन आईओटी। ठीक, अब करेक्टरिस्टिक्स में जैसे आपकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो सबसे पहली विशेषता मैं आपको बताता हूं, कनेक्टिविटी। अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी तो डिवाइस आपकी कनेक्ट नहीं हो पाएगी और
कनेक्टिविटी फेल हो जाएगी, तो जब डिवाइस ही कनेक्ट नहीं हो पाई तो वो डिवाइस काम नहीं करेगी। तो एक करेक्टरिस्टिक्स आपके सामने अपने आप आ गई, क्या? कनेक्टिविटी। दूसरा, अगर हम बात करें सेफ्टी, सेफ्टी बहुत जरूरी है। अगर सेफ्टी नहीं है तो हमारा वो सिस्टम ही बेकार है जो सेफ नहीं है। हम इतना रिस्क क्यों खोलें, हम इतना रिस्क क्यों लें कि जब वो सिस्टम ही हमारे लिए क्या है, डेंजरस है, सेफ नहीं है, तो मुझे उसका फायदा क्या मिलेगा? जब मैं अपने आप को सेफ महसूस ही नहीं कर रहा हूं तो मुझे काम करने से क्या फायदा? मैं ऐसी चीज पे क्यों फोकस कर रहा हूं जहां पे जो चीज मेरे लिए सेफ नहीं है? तो सेफ्टी एक अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा। तीसरा क्वेश्चन, अगर हम बात करना चाहें सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखना चाहें तो यहां पे आपको पूछ सकता है, जो अगला क्वेश्चन है वो पूछ सकता है आईओटी के जो फंक्शनल ब्लॉक्स होते हैं, आईओटी के फंक्शनल ब्लॉक्स, आईओटी के फंक्शनल ब्लॉक्स, ठीक है, आईओटी के फंक्शनल ब्लॉक्स वो आपसे पूछ सकता है। तो तीन क्वेश्चन हमने आपको यहां बताए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन अगर हम सिलेबस को देखें तो यहां पे आपसे पूछ सकता है सेंसर के बारे में, ठीक है, सेंसर पूछ सकता है, और यहां पे सेंसर, सेंसर्स के बारे में वर्क होगा। अगर आगे हम लोग बात करें तो यहां पे एक आपको मिलेगा माइक्रो कंट्रोलर, यहां पे मिलेगा माइक्रो कंट्रोलर के बारे में वो आपसे पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार का एम्बेडेड सिस्टम है, तो माइक्रो कंट्रोलर के बारे में वो आपसे पूछ सकता है कि माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है। वर्किंग हमको नहीं लगता पूछेगा, बट माइक्रो कंट्रोलर को डिफाइन करने के लिए पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर अगर आप देखेंगे तो इक्वेटर्स होते हैं, यहां पे चौथा क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें तो यहां पे इक्वेटर्स होते हैं, ठीक है, इक्वेटर्स होते हैं, उनके बारे में पूछ सकता है कि आईओटी में इक्वेटर्स का क्या काम है, ठीक है। उसके बाद आप बढ़ेंगे, फिर आपसे पूछ सकता है कि एप्लीकेशन एरिया क्या क्या है, एप्लीकेशन एरिया पूछ सकता है, आईओटी के एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ आईओटी पूछ सकता है। तो मैंने आज ये सोचा है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही बता दिए जाएं, क्योंकि कल पेपर है आप लोग का, तो इसीलिए मैंने आज, मैं तो आज पूरा मूड में था स्टार्ट करने के कि आईओटी की पढ़ाई आज से स्टार्ट कर दी जाए, बट मुझे लगा कि आपका कुछ भला होना चाहिए, आपका भला हो सके कैलिटेक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, तो हम इसीलिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अवगत करा रहे हैं। वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाएंगे क्योंकि आपको समय चाहिए, पढ़ने के लिए चाहिए, इसलिए लिमिटेड ड्यूरेशन का ही वीडियो आज रखेंगे, लेकिन मैं कल या परसों से बिल्कुल लेक्चर स्टार्ट कर दूंगा आईओटी का। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं कि हम लोग क्या क्या कंटेंट कैसे कैसे पढ़ रहे हैं, आप घर बैठ के पढ़ सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपसे पेमेंट नहीं लिया जा रहा है अभी, आपसे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको यूज करिए, क्लियर है। तो इस तरीके से आईओटी क्वेश्चन हम बता रहे हैं, आप उसको पढ़ते जाइए। उसके बाद यहां पे हमारे पास थोड़ा सा अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो यहां पे आईओटी के एप्लीकेशंस में हम लोग सी लैंग्वेज का भी थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में सी लैंग्वेज के बारे में बताया हुआ है, सी लैंग्वेज के बारे में बताया हुआ है, तो सी लैंग्वेज को भी छोड़ नहीं सकते हैं। काफी ज्यादा सिलेबस सी लैंग्वेज का कवर किया है आईओटी, क्योंकि सी लैंग्वेज के माध्यम से हम हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं, सी लैंग्वेज के माध्यम से हम हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सी लैंग्वेज की खोज करने वाले थे डेनिस रिट्ची साहब, सी लैंग्वेज की खोज करने वाले थे कौन, डेनिस रिट्ची साहब थे जिन्होंने सी लैंग्वेज को बनाया, ठीक है, डेनिस रिट्ची साहब ने सी लैंग्वेज को बनाया था AT&T बेल लैब यूएसए में। तो ये भी क्वेश्चन कल आपसे पूछ सकता है कि सी लैंग्वेज के निर्माता कौन है, तो AT&T बेल लैब। उसके बाद यहां पे तमाम चीजें आपको मिल जाएंगी कि सी लैंग्वेज में लूप क्या होता है,
लूप क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं ये पूछ सकता है, इफ एल्स पूछ सकता है, एरे पूछ सकता है, एरे क्या होता है ये पूछ सकता है, यहां पे वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं यहां पे, उसके बाद आप जाएंगे वेरिएबल्स के बाद तो आपको मालूम चलेगा यहां पे कि हमारे पास एक चीज और आती है जिसको बोलते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आपके पास तमाम टाइप के होंगे, अर्थमेटिक होगा, लॉजिकल होगा, कंडीशनल होगा, ठीक है, बिट वाइज होगा, ऐसे तमाम ऑपरेटर्स आपसे पूछ सकते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं कि ऑपरेटर्स एक क्वेश्चन फिक्स है, डंके की चोट पे कह रहा हूं, क्योंकि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आईओटी में अगर सी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया है तो ऑपरेटर से एक क्वेश्चन देना तय है, क्योंकि जब तक ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं होंगे तब तक डिवाइस का कोई मतलब नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है, मेरी पर्सनल थिंकिंग है और मेरा जो अनुभव अपना अनुभव रहा है वो कि ऑपरेटर से एक क्वेश्चन फिक्स है, गारंटी श्योर शॉट एक क्वेश्चन आपका आईओटी में सी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कर रखा है, इसलिए आप ये मान के चलिए कि एक क्वेश्चन आपका ऑपरेटर से आना तय है, आप सारे ऑपरेटर पढ़ के जाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे कुछ कॉन्सेप्ट और दिया हुआ है, एक आपको दिया है फंक्शंस, ठीक है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन डिफिनीशन क्या होती है, ये सब पढ़िएगा। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा फिर आईओटी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, आईओटी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड से एक क्वेश्चन आपका तय है, आईओटी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड से एक क्वेश्चन आपका तय है, गारंटी है। अनुभव बोलता है कि इतना अगर आप तैयार कर लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे तो पेपर आपका अच्छा हो सकता है। समय कम रहा है, क्लासेस चल नहीं पाई हैं ड्यू टू कोविड, बट हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट क्या किया जाए, ज्ञान दिया जाए और कल का पेपर आपका जो है वो बढ़िया हो पाए, ठीक है। तो इसी के साथ कुछ क्वेश्चन हम यहां बता रहे हैं जिनको आप पढ़िए, समय कम है लेकिन समय इतना कम भी नहीं है कि चीजों को पढ़ा ना जा सके। इसके बाद अगर आप बढ़ेंगे तो यहां पे एक सॉफ्ट स्किल के बारे में बताया हुआ है, सॉफ्ट स्किल के बारे में चर्चा कर रहा है कि सॉफ्ट स्किल क्या होता है, हार्ड स्किल के बारे में चर्चा कर रहा है, अवेयरनेस से कह रहा है, मतलब कितने आप अवेयर हैं, आपको जानकारियां कितनी हैं, अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। अगर आपको किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं है कि इसको कैसे यूज किया जाता है तो आपको वो चीज महंगी पड़ सकती है, क्योंकि उसका आप यूज नहीं जानते हैं, उससे हम अवेयर नहीं है तो वो हमको हमारे लिए खतरनाक भी हो सकती है, हमारे लिए बेनिफिट के लायक भी हो सकती है, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, और ये इसलिए है कि कल पेपर है आपका अच्छा हो सके, इसी की सूचना हम बराबर देने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहां पे कुछ आपके इंटरफेस दिए होंगे, जैसे एलडीआर सेंसर दिया होगा, एलडीआर सेंसर दिया होगा, पढ़ के जाइएगा, एलडीआर सेंसर से क्वेश्चन आ सकता है, एलडीआर सेंसर से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद अगर आप बढ़ेंगे तो यहां पे प्राइवेसी और इनेबल्ड सर्विसेज, मतलब आईओटी इनेबल्ड सर्विसेज, कुल मिला के आईओटी सर्विसेज के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, आईओटी सर्विसेज के बारे में हम कहना चाहते हैं आपसे कि आईओटी सर्विसेज के बारे में पढ़ के जाइएगा। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको इंटरफेसिंग मिल सकती है, फिर थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन एंड टाइप्स, कि इसके क्या क्या टाइप्स हैं, इनके बारे में आपको जानकारी मिल सके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो आईओटी सर्विसेस, कम्युनिकेशन एंड उसके टाइप्स। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहां पे जैसे पूछा हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस पूछ सकता है। ये क्या मतलब है, आप सोच रहे होंगे कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है। देखिए डिवाइसेस जब कंट्रोल होंगी तो जो काम आपको जाके करना पड़ता है वो आप बैठे बैठे कहां से कर लेंगे, अपने मोबाइल फोन से। तो आपने उस डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए क्या किया है, इंटरनेट से कनेक्ट कर रखा है
और इंटरनेट से जुड़ी है तो कहीं भी बैठेंगे आप उसको क्या कर देंगे, ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑन ऑफ कर सकते हैं तो आपको जाने आने में समय बचेगा। तो टाइम मैनेजमेंट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं सॉफ्ट स्किल में आएगा ये सब, कि टाइम मैनेजमेंट क्या है, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास फ्यूचर्स ऑफ आईओटी इकोसिस्टम, फ्यूचर्स ऑफ आईओटी इकोसिस्टम्स की बात करेगा यहां पे, कि आईओटी का भविष्य क्या है, फ्यूचर आईओटी फ्यूचर्स, कि आईओटी का भविष्य क्या है। और मैं बता दूं आज का जो ट्रेंड चल रहा है वो सिर्फ आईओटी बेस्ड है। आपने देखे होंगे मार्केट में कुछ कंपनियों ने अपने फैन उतारे हुए हैं, उसके अंदर लगे हुए हैं क्या माइक्रो प्रोसेसर लगे हैं, आईओटी डिवाइस है वो लगी हुई है, उसको आप इंटरनेट से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज के जमाना जो चल रहा है, जो मार्केट में करंट ट्रेंड है, आज की टेक्नोलॉजी है, वो आईओटी बेस्ड है। जमाना आईओटी का हो गया है, जमाना आईओटी का हो गया है। हर चीजें यहां पे काम कर रही है थ्रू इंटरनेट, इंटरनेट के माध्यम से कंट्रोल की जा रही। तो फ्यूचर तो बहुत अच्छा है, बहुत ब्राइट है, इसमें कोई भी कमी नहीं है, कोई दाग नहीं है और बहुत अच्छा है। क्लियर है? आगे अगर कुछ क्वेश्चंस देखने जाएंगे तो यहां पे थ्योरी पार्ट तो बहुत कम है, लेकिन सी का पार्ट बहुत कैप्चर किया हुआ है, सी लैंग्वेज उसने बहुत कैप्चर की हुई है। और एक आपको पढ़ना पड़ेगा सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स ऑफ आईओटी, सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स ऑफ आईओटी के बारे में पढ़ के जाइएगा कि पूछ सकता है सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स ऑफ आईओटी। ठीक है, एस्पेक्ट्स ऑफ आईओटी सी लैंग्वेज से काफी क्वेश्चन कैप्चर करेगा, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, एरे, फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ऑपरेटर्स में कंडीशनल, लॉजिकल, बिट वाइज एंड तमाम ऑपरेटर्स आएंगे जो आपको क्या करने हैं, पता होने चाहिए सी लैंग्वेज के बारे में। फिर थोड़ा सा पार्ट जाएंगे तो सॉफ्ट स्किल का है, सॉफ्ट स्किल से तमाम क्वेश्चंस बताए मैंने। ये तमाम क्वेश्चंस हैं जो आपके पास एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद चलेंगे तो कुछ आईओटी डिवाइसेज हैं और भी कुछ चीजें हैं, जैसे ऑर्डिनो, ऑर्डिनो के बारे में चर्चा कर रहा होगा, ऑर्डिनो के बारे में, तो यहां से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि ऑर्डिनो हमारा ओपन सोर्स है या नॉन ओपन सोर्स है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, आपका जो ऑर्डिनो है वो ओपन सोर्स है, कोई इसमें दाग नहीं है, कोई फ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके से हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। और स्टूडेंट्स, हमने बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि समय कम है, समय कम है, और ज्यादा लंबा वीडियो आप देखेंगे भी नहीं क्योंकि आपको कल पेपर देना है, टाइम कम है। तो क्या कुछ चीजें ऐसी हो पाए जो हमारे लिए एग्जाम्स में हमारा फायदा पहुंचा पाए, तो उसी के माध्यम से हमने एक थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक्स, बिल्कुल बहुत छोटा वीडियो आपके सामने रखा है कि आपको कुछ जानकारी मिल पाए। लेकिन मैं कल या परसों से, अगर कल से होगा तो भी सूचना दी जाएगी, नहीं तो परसों, तो 100% ये श्योर है कि आईओटी के लेक्चर्स स्टार्ट हो जाएंगे न्यू बैच के लिए, जो आप यहां पे चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वीडियो लेक्चर्स मेरे द्वारा दिए जाएंगे क्योंकि जो बच्चे पेपर देंगे जुलाई में, उनको अब क्या करना है, एक प्लेटफॉर्म देना है कि वो आईओटी के बारे में ज्यादा अच्छे तरीके से जान पाए। जिनका पेपर कल पास हो जाएगा बहुत अच्छा है, जिनका नहीं हो पाएगा कोई बड़ी बात नहीं है, पर मेरा ऐसा मानना है कि मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, आप सभी लोग क्या होंगे, पेपर अच्छा करेंगे। तो अगले वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।